जनपद रुद्रप्रयाग को इलेक्ट्रिक ट्रॉली की सौगात मिली है। बता दें कि अगस्त मुनि की चाका गांव स्थित अनेक क्षेत्र वासियों की आवाजाही के लिए मंदाकिनी नदी पर इस ट्रॉली का विधायक भरत सिंह चौधरी ने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि लंबे समय से चाका गांव सहित क्षेत्रीय जनता द्वारा ट्रॉली लगाने की मांग की जा रही थी। उस क्षेत्र की जनता और स्कूली बच्चों को लंबी दूरी करते हुए अगस्त मुनि जाना पड़ता था। पिछले साल ट्रॉली निर्माण का कार्य विधायक भरत सिंह चौधरी के द्वारा शुरू करवाया गया था। वहीं विधायक चौधरी सिंह ने ट्रॉली लगने पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि चाका गांव के लिए आवागमन की बड़ी असुविधा थी। विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि मंदाकिनी नदी पर सीली चाका के मध्य मोटर पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 17.75 करोड़ की स्वीकृति हुई है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया कि आपसी विवाद को सुलझाकर सभी लोग आपसी सामंजस्य बनाकर पुल निर्माण में सहयोग करें, जिससे जल्दी पुल निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव था चाका, लेकिन वो पूरी तरह से आइसोलेटेड था, कहीं से भी वहां पहुंच मार्ग नहीं था। और खास तौर पे बरसात में नदी जब अपना विकराल रूप ले लेती है तो उन लोगों का घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत लंबे समय से उनकी एक ट्रॉली की मांग यहाँ पर थी और मुझे बेहद खुशी है कि लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन आज सपना उन लोगों का पूरा हुआ और ट्रॉली से आवाजाही यहाँ पर सुचारू हुई। जिला योजना के अंतर्गत इसकी जो है स्वीकृति हासिल की गई और आज एक पुल बनकर, ये ट्रॉली बनकर के तैयार है। लोग बेहद खुश हैं और सिल्ली में इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक मोटर पुल भी स्वीकृत है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति वर्ल्ड बैंक से हमको प्राप्त है। उसकी भी सर्वे हो चुकी है और जियोलॉजिस्ट के माध्यम से उसका परीक्षण करवाया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता की सहमति उसके जैसे ही बनेगी तो जल्दी उसके भी कार्य प्रारंभ। तो ये नहीं है कि शाम को बच्चे कैसे मिलेंगे मुझे, और आज हमारे भाई भरत जी ने हमारा सबको स्वागत किया, ये ट्रॉली का आज उद्घाटन हुआ और मैं सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी जितने भी हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, धन्यवाद। समथिंग थी और आज इसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, अर्पण हुआ है और आज इसको जनता के लिए समर्पित किया गया है। तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से, क्योंकि आपके ही प्रयास से ये हुआ है, क्योंकि आपने ये पिछली बार भी ये बात रखी थी कि इस ट्रॉली को हमने लगाना ही लगाना है। तो आपकी हर बात को हमारा मन